अनेक बेंगलोरों की कहानी नहीं है। समूचे देश में डॉक्टरों और जांच केंद्रों के बीच कमीशन के खेल का काला कारोबार सालों से पनपा हुआ है। बेंगलुरु में मारे गए आयकर विभाग के छापों में डॉक्टरों और डायलिसिस सेंटरों के बीच कमीशन के बड़े खेल का खुलासा सामने आया है। आयकर विभाग के सूत्रों के माने तो इन छापों में 100 करोड़ रुपए से अधिक की आय अघोषित आमदनी सामने आई है। डॉक्टरों और जांच केंद्रों के बीच कमीशन के खेल के ऐसे खुलासे पहले भी होते थे, पर यह पहला मौका है जब आयकर विभाग ने 3 दिन की जांच में अलग अलग तथ्यों को पुख्ता सबूतों के साथ पकड़ा। यह अकेले बेंगलुरु की कहानी नहीं है। समूचे देश में डॉक्टरों और जांच केंद्रों के बीच कमीशन के खेल का काला बाजार सालों से पनपा हुआ है। इस तथ्य के बारे में जानते हो सब, लेकिन होता कुछ नहीं है। देसी भाषाओं में डॉक्टर ब्रैकेट के अंदर भगवान ब्रैकेट बंद कहा जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि भगवान जिंदगी देता है और डॉक्टर जिंदगी बचाता है। लेकिन असलियत अब कुछ और हो चली है। डॉक्टर अब ब्रैकेट के अंदर भगवान ब्रैकेट बंद कम और कारोबारी अधिक हो गए हैं। यद्यपि आज के दौर में ऐसे डॉक्टर भी हैं जो कमीशन के इस काले खेल में शामिल नहीं है। उनके लिए अंगुलियां पर ही काम होता है। निजी अस्पतालों
में फिर को लेकर विवाद की खबरें अक्सर सामने आती रही हैं। पॉपुलिस्टों ऐसी खबरों में यह होता है कि सिर शर्म से झुक जाता है। पुलिसों बकाया राशि का भुगतान नहीं कर पाने की हालत में कई अस्पताल रोगी की मौत के बाद उसकी देह परिजनों को नहीं सौंपते। पुलिसों समस्या इतनी जटिल है उसके समाधान के प्रयास उतने ही गंभीर हैं। पुलिसों अनेक चिकित्सक तो बीमारी के लिए मरीज को एक जांच तीन तीन बार कराते हैं। पुलिसों मरीज को पता ही नहीं चलता है। पुलिसों यह बताने की जरूरत नहीं कि इन जांचों के पीछे कमीशन का खेल जुड़ा होता है। पुलिसों बेंगलुरु में छापों के बाद सिर्फ आयकर विभाग बल्कि चिकित्सक विभाग और राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वे इस कमीशन के खेल को बंद करें और चिकित्सकों को यह समझाएं कि यह उनके पेशे से जुड़ा नहीं है। पुलिसों वह सेवा कार्य है। पुलिसों अपने घर परिवार चलाने के लिए पैसों की जरूरत चिकित्सकों को पड़ती है, लेकिन उसके लिए उन्हें ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए कि जिससे उनकी गरिमा कम हो। उत्तर कोरिया के साथ बढ़ती में संकेत दे रही है कि अमेरिका के नियंत्रण से बाहर हो रहे इस बीच दक्षिण कोरिया के साथ वह सालाना संयुक्त युद्ध अभ्यास में भी करते जा रहे हैं। पुलिसों ऐसे में भड़के हुए उत्तर कोरिया को नियंत्रित करने के लिए चीन और उसके सहयोग के कारण ही वहां युद्ध जैसी स्थिति बन गई है। हो सकता है कि आपके विचार से सहमत ना हो पाऊं, फिर भी अपने विचार प्रकट करने का अधिकार करता हूँ और गलती होने पर माफ करें। Stop laughing, stop laughing.